altitude 14,300 feet. बहुत ठंडी है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है. और बुद्धा स्टैचू आपको सामने दिख रहा है. यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा. इतना हवा है पर हम जाते हैं अभी बुद्धा का स्टैचू के पास. इतना बड़ा स्टैचू है. ये सब आपके लिए अच्छा लगा लाइक कर दो और उधर का व्यू देखो, उधर का भी व्यू देखो. तो हम हैं ऑल्टीट्यूड 14,300 फीट. तो फ्रेंड्स मैं लांजा से नीचे उतर चुका हूँ अभी, पर मेरा टैंक बैग नहीं मिला मुझे, सो इट्स लॉस्ट. अब जो गया तो गया, क्या कर सकते हैं. अभी जा रहे हैं हम, मैं जा रहा हूँ चिंसम की तरफ. देखते हैं, टाइम हो रहा है 1:38. भूख भी लगी है, खाने के लिए कुछ होटल देखना पड़ेगा. फ्रेंड्स यहाँ से मनाली 180 किलोमीटर ही है. बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडी, और मैंने अंदर का थर्मल वेयर नहीं पहना है, वो अंदर पैक किया हुआ है. अभी मैं कहाँ रोक के कहाँ खोलूँ, इसलिए ऐसे चलाए जा रहा हूँ मैं. बर्फीली हवा एकदम. देखते हैं आज कहाँ रुकना है. कैंपिंग तो नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि खाने का होटल्स अवेलेबल नहीं थे. और मेरे पास मैगी है पर बनाएंगे कैसे, यहाँ पे तो पूरा पत्थर ही है. तो अभी जाएंगे, अब तक मैंने लंच भी नहीं किया है. टाइम हो रहा है 2:10. देखते कहाँ पर जाके लंच मिलता है. यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि जियो का सिम ही चाहिए होगा, और जियो का सिम मुझे मिला नहीं. उस तरफ ज़्यादा हवा था, अब इस तरफ फिर भी थोड़ा कम है, ठंडी लग रही है. क्या रूट है, वाह. तो ये है मनाली साइड. हम आए थे शिमला से, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं. ठंडी भी बहुत है, तूफानी हवा.
स्पीति में मैं ताबो में रुका, गाजा घूम लिया, लाल रंगजा का वो जो लासंग लाल क्या था यार, वर्ड्स मुंह में नहीं आते यार, लासंगा लासंगा के बुद्धा मोनेस्ट्री भी देख लिया, धनकर मोनेस्ट्री गए थे पर क्लोज था, ताबू मोनेस्ट्री भी क्लोज था, नहीं खोल रहे उन लोग अभी, वो बोल रहे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सर बाहर से आप देख सकते थे, मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स हम अभी लोसर पहुंचने वाले हैं, लोसर और 10 किलोमीटर ही है। लोकल्स बोल रहे थे कि लोसर के पास अलाउ नहीं करेंगे आज, कल ही अलाउ करेंगे सुबह को, तो देखते हैं क्या आप बोलते हैं, अगर होगा तो लोसर में रुक जाएंगे, ऐसे भी टाइम 3 o'clock होने वाला है। बहुत ठंडा है, बहुत लग रहा है बर्फ में, लास्ट और 1 किलोमीटर, अरे भगवान, होम स्टे या कुछ भी होटल मिल जाए भाई, लासर में रुक जाएंगे आज। 3 बज चुका है, भैया गेस्ट हाउस मिलेगा, गेस्ट हाउस रात को रुकने के लिए, होम स्टे होगा तो चलेगा, अकेला हूँ। हाँ है, हाँ आर्टिफिशियर, हाँ है, कहाँ पे, नीचे कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, मेरा तो किया हुआ है, 11 तारीख को, 12 तारीख का रिजल्ट आया था, ओके okay, आगे क्या, आगे कहाँ, कितना दूर है, मैं जा सकते हैं आगे, 30 किलोमीटर, क्या है, ओके ठीक है, ठीक है भैया, ओके ऐसी ठंडी रहेगी के सामने आगे भी ठंडी ऐसी रहेगी, एंट्री करानी पड़नी आपको, ओके ओके सर, प्रॉब्लम। सिग्नल है आपके फोन में? नहीं सर। आपको डिजास्टर वाले से बात करनी है? हाँ? डीडीएमए से बात करनी है, डिजास्टर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। ओके सर। आपको उनसे परमिशन लेना है? उनसे परमिशन, उधर जाना है, मनाली जाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, बर्फ एकदम बर्फ पड़ा हुआ है, मैं मनाली की तरफ जा रहा हूँ, अलाउ तो कर दिया लोसर चेक पोस्ट से क्योंकि डिजास्टर टीम से फ़ोन अटेंड नहीं हुआ,
तो मैं निकल चुका हूँ, पर रास्ता एकदम ख़राब है। मैंने सोचा था मनाली के लिए रोड अच्छा रहेगा, पर मनाली के लिए रोड बहुत गंदा है और बहुत ठंडी भी है। तो मैंने अपने थर्मल वेयर से पहन लिया है, पर पैर में तो ठंडी लगी रही है। और ये जो रास्ता है इसकी वजह से स्पीड भी बहुत स्लो है। मनाली अराउंड 130 किलोमीटर है। वाटर क्रॉसिंग भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से चलाना पड़ेगा। मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, टाइम 4 बजने वाला है और मैं ऐसे रास्ते में हूँ, अंधेरा हो गया तो रिस्क रहेगा, इसलिए थोड़ा कंटिन्यूस ड्राइव करने वाला हूँ मैं। एटलीस्ट एक सेफ पॉइंट तक पहुँचने तक, अगर होटल मिल गया तो। लास्ट में होटल नहीं मिला मुझे, ये इवन होम स्टे भी नहीं मिला, सब बंद है। कहीं पे भी रूम मिल गया रुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाने जैसा जगह नहीं है। और खाना भी तो खाना है मुझे, मैं सुबह जो ब्रेड खाया और चाय खाया उसके सुबह कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक, खाने का मौका ही नहीं मिला, होटल भी नहीं मिले। मुझे लग रहा है वाटर क्रॉसिंग है, यस। तो फ्रेंड्स ये कुंजुम टॉप है, यहाँ बोलते हैं कि इस मोनेस्ट्री को एक सर्कल मार के, दैट इज एक परिक्रमा करके जाना है, बिकॉज ये अच्छे के लिए है। और बोल जो गाड़ी में आया हूँ उसी गाड़ी में करके जाइए। तो मैं भी परिक्रमा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, सहन नहीं हो रही। भगवान आशीर्वाद देना मैं ठीक तक पहुंच जाऊं। फ्रेंड्स आपने देखा कैसा है यहाँ पे, मैं बादल ही रुक जाऊंगा, मुझसे और ठंडी सहन नहीं हो रही। नोएडा में जितनी गर्मी है मुझसे माइनस डिग्री चल रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे। फॉगी फॉगी बिटन में रुक जाऊंगा मैं होम स्टे लेके, खाना भी खा लेंगे वहाँ पे ही और एक दिन रेस्ट, कल निकलेंगे मनाली के लिए। आज मनाली नहीं होगा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। ये देखो बर्फ़ फ्रेंड्स, बर्फ़ देखो बर्फ़ कैसे है पास में एकदम। मैं नहीं छोड़ा उसको अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टायर्ड भी हो चुका हूँ बहुत। बाइक में हूँ, कार में उतर बात लगे और रास्ता भी ऐसे ही, रोहतांग तक ऐसे ही है बोल दिया, तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 12 किलोमीटर है, 1 घंटा लग जाएगा मुझे पहुँचने में।
तो फ्रेंड्स फाइनली बित्तल, आई थिंक हम बित्तल पहुंच चुके हैं। अभी वहाँ पे भी चेकिंग होगा शायद, फिर मैं बित्तल में ही रुकने का प्लान करूँगा। बहुत ठंडी है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। परसल कैंप चंद्रताला, परसल रिट्रीट काजा ढाबा चंद्र ढाबा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाना है। हाय फ्रेंड्स, मस्ते वनकम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम, बढ़िया हो सब, अच्छे रहना। तो मैं अभी पहुंचा हूँ बाताल, बहुत ठंडी है यहाँ पे, और पीछे आप देख सकते हो एक ढाबा जैसा है छोटा सा, यहाँ पे आज रुकने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे कोई स्टे नहीं है, कल यहाँ से मैं मनाली निकलूँगा और अब यहाँ पे ही खाना पीना सब कुछ, स्टे भी इधर ही है। एक बेड का आई थिंक 300 रुपये, चलो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोग फिर एक लाइक और सब्सक्राइब दे देना, ये थैंक यू वेरी मच, बाय। ब्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था पर मुझे फिर से आना पड़ा आपको ये मेरा स्टे दिखाने के लिए। 300 रुपये चार्ज है इस बेड का और रजाई सब है, सामान बाइक बाहर है, बहुत ठंडी है। गुड नाइट गाइस, टाइम अराउंड 7 o'clock हो रहा है, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह उठ के निकलूँगा, ठीक है, बाय बाय, सी यू। सांस फूल रहा है बहुत, चलो गाइस, बाय बाय।